हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस टू बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है ब्रेक करके, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई हो गया, ऐसे बनेगा ये एक्स माइनस टू का मोड जो है नेगेटिव साइन लगेगा अगर एक्स लेस देन टू है, पॉजिटिव साइन लगेगा अगर एक्स ग्रेटर देन टू है। ठीक है, और टू पे इसने खुद वैल्यू दे रखी है, तो इसने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल ली। किस पे निकाली, टू पे। टू लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे वन आएगी, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे क्या आएगी, माइनस वन आएगी। दोनों डिफरेंट होगी, इसका मीनिंग फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। सेम इसी के बेस पे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड ऑफ एक्स माइनस फाइव वाला, ये भी ऐसे ब्रेक होके बनेगा। लेकिन आपसे ये पूछा है कि कॉन्टिन्यूस तो दे रखा है, ए और बी निकालो, तो कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो भी आए दोनों को इक्वल रख देना, और किसके इक्वल रख देना, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के। पॉइंट दे रखा है फाइव, तो फाइव पे फंक्शन की वैल्यू ए प्लस बी है, तो तीनों इक्वल रख के सोल्व हो जाएंगे। तीनों इक्वल का मीनिंग आपस में तो इक्वल रख के उनको सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो इसमें क्या दे रखा है एफ एक्स। अच्छा, ये आपसे पूछ रहा है कि एफ प्लस जी क्या है, कॉन्टिन्यूस हैं, लेकिन एफ और जी कॉन्टिन्यूस नहीं है, ऐसा एग्जाम्पल आपने देना है इसमें। तो उसने एफ एक्स और जी एक्स देखो आपको ये बता रखे हैं कि एफ प्लस जी करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, मींस कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा एफ प्लस जी। एवरी कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। वैसे क्या लिख रखा है देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है, दस द फंक्शन एफ प्लस जी इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर वेयर एंड इन पर्टिकुलर एट एक्स इक्वल टू जीरो, बट एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो एफ को इसने चेक किया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई इसकी, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है, ई रेज टू पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, ध्यान रहे। तो इसमें ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी यूज हुआ जो जीरो आएगा। राइट हैंड लिमिट निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, दोनों डिफरेंट आई, तो इसका मीनिंग एफ क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। ऐसे जी भी क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो एफ और जी दोनों डिफरेंट फंक्शन, जो दोनों ऐसे हैं कॉन्टिन्यूस नहीं है, लेकिन उनका सम जो है वो कॉन्टिन्यूस बने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है। तो एफ जो दिया है वो x इंटू कोस वन बाई एक्स, एक्स अगर नॉन जीरो है, जीरो बाई जीरो इस फंक्शन की वैल्यू चेक करना है कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है फॉर एवरी रियल नंबर, मींस हर जगह कॉन्टिन्यूस है, हर जगह के लिए हमारे पास। यहाँ हम चेक करेंगे इसको कहाँ पे, जीरो पे और नॉन जीरो, दो पे चेक कर दो, जीरो और नॉन जीरो, इसका मीनिंग हर रियल नंबर पे वो कॉन्टिन्यूस हो गया। तो पहले वो जीरो पे डिस्कस कर रहा है, तो जीरो पे देखो कैसे किया, एफ एक्स माइनस एफ जीरो, क्योंकि जीरो पे चेक कर रहे हैं तो एफ ऑफ जीरो आएगा। तो एफ एक्स क्या है, एफ जीरो क्या है, उनकी वैल्यूज ऑलरेडी हैं मेरे पास। ठीक है, इसके अंदर रखी वैल्यू क्या आई, मोड एक्स आ गया राइट में। अब बताओ कि लेफ्ट वाला, मतलब मोड एक्स अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो ये लेफ्ट वाला भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। राइट वाले में क्या कर दिया, एक्स की जगह एक्स माइनस जीरो रख दिया और डेल्टा चेंज कर दिया एप्सिलॉन की जगह, तो ये आ गया। मीनिंग जब जब एक्स और जीरो का गैप कम होगा, ऐसे एफ एक्स और एफ जीरो का गैप कम होगा, तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। अब दूसरा केस ये है, अब देखो अब कॉन्टिन्यूस तो हो गया जीरो पे, लेकिन अब नॉन जीरो लेंगे उस पे चेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इसमें कंपोजिट फंक्शन का केस। तो उसने जी एक्स क्या लिया, वन बाई एक्स, एच एक्स क्या लिया, कोस एक्स, क्योंकि ये कोस और एक वन बाई एक्स, तो एच ओ जी ये चेक करना पड़ेगा रफली कि कौन सा सेटिस्फाई करेगा, जी ओ एच या एच ओ जी। तो इसमें एच ओ जी बने है मेरा कोस वन बाई एक्स। अभी कहता है नाउ एक्स एंड एच एक्स आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, जब एक्स क्या है, नॉन जीरो है, ये तो पता ही है कि एक्स नॉन जीरो होगा तो वन बाई एक्स भी कॉन्टिन्यूस, कोस वन बाई एक्स, क्योंकि कोस और कोस फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस होता है, अभी प्रूव भी किया हमने ऊपर, और उसके अंदर वन बाई एक्स जो है ये वैल्यू नॉन जीरो आए, तो ये फंक्शन क्या रहेगा, हमारा कॉन्टिन्यूस रहेगा। इसका मीनिंग ये क्या हो गया, दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, और दो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो उनका कंपोजिशन जो फंक्शन एक मैपिंग जो होती है वो भी क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, ये प्रोडक्ट आ गया, सॉरी यहाँ प्रोडक्ट था तो प्रोडक्ट वाला यूज हो गया, एक्स इंटू कोस वन बाई एक्स था। ठीक है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया एवरी रियल नंबर में। अब ये कहता है कि सो दैट एवरी पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, हर पॉलिनोमियल को हमने कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। ईजी है, पॉलिनोमियल देखो इस टाइप की होती है, ए नॉट एक्स की पावर जीरो प्लस ए वन एक्स की पावर वन अप टू दिस, पॉलिनोमियल है ये। ठीक है,
हमने कोई रियल नंबर लेंगे जिस पे इसको चेक करेंगे कि कॉन्टिन्यूस है, वो रियल नंबर उसने उठाया है सी, तो ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है कि इसकी लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू दोनों को सेम प्रूव करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये बनेगा। अब सी पुट गया है एफ एक्स में, देखो लिमिट निकाली है, लिमिट आपके पास ये आएगी मीन्स ये और ये बन जाएगी, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे सेम, राइट हैंड लिमिट आपके पास वो भी इक्वल आई। ठीक है, तो यानी कि ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। ये कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी थी मैंने आपको सोल्व करने के लिए, एफ एक्स जैसे कोस ऑफ मोड एक्स है या साइन एक्स का मोड है, ये सारे उससे रिलेटेड होंगे। आपने बस एक चीज़ ये प्रूव करनी है कि अगर कोस वाला है जैसे ये फर्स्ट है, तो मोड एक्स को कॉन्टिन्यूस प्रूव कर दो और कोस एक्स को कॉन्टिन्यूस प्रूव कर दो, उन दोनों से कंपोजिशन जो बनेगी वो फंक्शन भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। इसमें अगर डाउट्स रहते हैं तो आप अपना डिस्कस कर लेना, पूछ लेना मेरे से, ये सारा ब्रीफली करवा रखा है आपको, ईजिली सारा अच्छा कर रखा है, ये सारे रिजल्ट इसके अंदर अप्लाई हो रहे हैं, जो जो रिजल्ट यूज़ हुए हैं कि ये वैल्यू इससे ग्रेटर देन है, ये इससे ग्रेटर देन है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर एक फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में ये आपसे पूछ रहा है कि डिफरेंट काइंड ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी होती है, मींस कोई फंक्शन क्या है डिसकॉन्टिन्यूस हो तो उसकी अलग अलग काइंड है, फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड या मिक्स काइंड जैसे। तो फर्स्ट काइंड में क्या होता है, इफ़ लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, बोथ एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल। ठीक है, कि लेफ्ट और राइट अगर दोनों क्या हों किसी पॉइंट पे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट किसी फंक्शन की एग्जिस्ट तो करें लेकिन दोनों डिफरेंट होंगे मतलब इक्वल ना हों, तो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस और वो फर्स्ट काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाएगी। जैसे एग्जांपल दे रखे हैं उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स आपको बता रखी हैं, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी, मिक्स काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी। इसे नेक्स्ट ये स्टार्ट करेंगे हम अगले टॉपिक में, थ्योरम है जो ये इससे रिलेटेड, तो आपने इस टॉपिक में आज को यही करना है, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी जो डेफिनेशन बता रखी है इसको यही तक।